अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेंट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रिलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और इस चैनल को उन लोगों तक शेयर कर दें कि जिनको कि यूएई से रिलेवेंट, दुबई, शारजा या किसी भी स्टेट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और मेरी वीडियोस का वेट करते रहें। बहुत ज़्यादा विजिट वीज़े के हवाले से, वर्क वीज़े के हवाले से इश्यूज चल रहे हैं, उसकी अपडेट और जॉब के हवाले से जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहे हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस तो फ़ायदा उठा लेंगे, बट ये कि सर्च इंजन से अगर आप कुछ टाइम के बाद आते हो तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक वो वैकेंसी भी गुजर चुकी होगी। और क्या अगर कोई वीज़े में ऑफर्स आई है, कोई ऐसी सहूलत आई है किसी भी कंट्री की, तो उससे आप फ़ायदा नहीं होने। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। मेरी वीडियो का आज का जो टॉपिक है, हम डिटेल से बात करेंगे कि 2023 के अंदर, क्योंकि जैसे कि 2024 की एंट्री ही एंट्री है, बहुत कम दिन रह गए हैं, ठीक है। और जो है दिन क्या, वन मंथ रह गया है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और टाइम का पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। 2022 जो था वो कोरोना का जो था एक ईयर था, ठीक है। 2023 के अंदर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई कि जी इस सिटी के लिए विजिट वीज़े बंद कर दिए गए हैं, कभी खोल दिए गए हैं, कभी कुछ हो रहा है। लोग कन्फ्यूज़ ही रहे कि हम करें क्या। बेसिकली वीडियो देखते थे तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें होती थी कि किसमें किसी चीज़ में फेक भी होता था, लोग रियलिटी को नहीं जान पाए, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि रियलिटी की जो है बात की जाए। इसी तरीके से आज जाते हुए मुझे एक ट्रैवल एजेंसी नज़र आई, मैंने उनसे कंफर्मेशन करने के लिए मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जो है पाकिस्तान के विजिट वीज़े लगा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने में भी मुझसे यही बात की कि जी हम लोग सिर्फ स्केट के लग रहे हैं, हाँ अगर हम उनकी जो है प्रोफेशनल चेंज कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी, लेकिन एयरपोर्ट पर समटाइम मसले मसाइल भी हो सकते हैं, इस चीज़ के लिए अगर वो रेडी हैं, ठीक है, कि कल को वो हमें ब्लेम ना दें तो फिर हम वीज़े लगा सकते हैं। तो है ये बताने का मकसद ये है कि एक कंफर्मेशन जो है वो ट्रैवल एजेंसी से भी हो गई कि वीज़ों में इशू वाकया ही है, ठीक है। दूसरी बात आ गई जॉब की, ठीक। जॉब का जो मसले मसाइल है वो तकरीबन जो है 2 ईयर से जो यही मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत सारे विजिटर आ रहे हैं, जॉब नहीं मिली विजिट वीज़े में, अब मसले मसाइल स्टार्ट हुए हैं। बट उससे पहले जो लोग आ रहे थे, ठीक है, और जो यहाँ पे मौजूद थे वो अगर ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी जॉब नहीं थी। कि क्या ये पाकिस्तानियों के लिए ही प्रॉब्लम है या ओवरऑल प्रॉब्लम है? तो मुझे जब जो यहाँ रहते हुए फील हुआ कि ये जो है प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ओवरऑल नहीं है, हर नेशनलिटी के बंदे को यहाँ पे जॉब मिल रही है, नाइजीरियन, फिलिपीनीज, इंडियंस, सोडानी, ठीक है, हर नेशनलिटी के बंदे को यहाँ पर जॉब मिल रही है, बट पाकिस्तानियों के लिए ऐसे इश्यूज होना शुरू हो गए हैं 3 साल से। जबकि यूएई एक पाकिस्तानियों का हब था, इंडियंस के बाद कम्युनिटी जो ज़्यादा रहती है वो पाकिस्तानियों की रहती है, और पाकिस्तानियों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या अब हमारा जो असल टॉपिक है, क्या 2024 भी इसी तरह का ही साल होगा कि जॉब नहीं होंगी, वीज़ों को लेके लोग अभी जो हमारे कंट्रीज़ के हालात जा रहे हैं, लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, और बाहर का जो सिनेरियो है वो कुछ कंफ्यूजन वाला ही है। अब बेसिकली लोग करें तो करें क्या, ठीक है। आपको देखिए कहीं भी जाने के लिए ना, पहले आप उस कंट्री के इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा जान लें, जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है, वहाँ पे उस टाइम क्या चल रहा है। जैसे कि हर कंट्रीज़ का भी जो है सूरत हाल, जैसे यूके की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंग चल रही है फ़लस्तीन में, ठीक है, उसको देखते हुए ऑल टू ऑल कंट्री कहीं तो फ़लस्तीन के साथ हैं, और दूसरा जो है बाकी जो है इसराइल के साथ हैं, ठीक है। इस तरह कुछ कंट्रीज डिवाइड हुए हैं, तो उसमें जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं उनके साथ भी बहुत, उनको भी मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा जो है वो शेयर कर दो कि ये बात गवर्नमेंट तक जाए कि कुछ फॉरनर्स के बारे में भी सोचें, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ के हालात को स्टेबल होने में अभी बहुत टाइम लगेगा,
ठीक है, तब तक क्या हमारा सर्वाइवल बंद हो जाएगा? क्या कहीं हम और जाके भी अपने जो है फैमिली के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकते? और जो फॉरेनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, ठीक है, वो भी एक जो है वो पार्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, लेकिन उनको हमेशा इस पार्ट से बाहर रखा जाता है। उनको एयरपोर्ट पे मुस्लिम साइड फेस करने पड़ते हैं, उनको और बहुत ज़्यादा फिर उनको जॉब यहाँ पे आते हैं, उनको जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कि उस सूरत में होता है कि जब आपके रिलेशन किसी भी कंट्रीज के साथ ठीक नहीं है और आप वहाँ पे रहने वाले अपने जो कंट्रीज के लोग हैं उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे होते हो, ठीक है, तो इसमें सऊदी गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे कभी वीज़े की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जॉब के हवाले से बहुत पाकिस्तानी जाते हैं, उनको इजीली जॉब मिल जाती है, बट यूएई के अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत इन्वेस्टमेंट, उसके बावजूद पाकिस्तानियों को सहूलत नहीं है, ठीक है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। जॉब्स ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि जी हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उनको एडवाइस किया जाता है इस प्लेटफॉर्म में चले जाओ, यहाँ से अप्लाई कर लो, यहाँ से अप्लाई कर लो, बट मेन पर्पस है कि रिस्पॉन्ड कहीं से नहीं आ रहा है। देखो मेरी अपनी ऑब्जर्व की हुई चीज़ है कि रिस्पॉन्ड कहीं से भी नहीं आ रहा, तो इसलिए बेहतर है कि इंतज़ार किया जाए 2024 में, मे भी कोई जो है बेटरमेंट हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि आप लोग भी इस चीज़ के बारे में करेंगे, किसी भी कंट्रीज में आने के बाद जो है इस तरह का काम ना करें कि वहाँ पे कल के लिए आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हो वहाँ पे रहने भी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज मैंने देखा है कि यहाँ पे जो आके इनलीगल हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो अपनी मजबूरियों की वजह से होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, या वो यहाँ पे करप्शन करते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से क्या भाग जाते हैं किसी और कंट्री में, उनके लोगों की वजह से भी आज ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छी अच्छी खबरें लेके आते रहेंगे 2024 में भी। 2022 और 2022 अच्छे साल नहीं थे सबके लिए, ठीक है, आने वाले साल इंशाल्लाह सबके लिए अच्छे हों, दुआ गुआ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।